बंद कर भाई, आ ही गया। ए हेलमेट देखो यार, यामाहा बॉयज। स्टार्टिंग में ही बोले राइड शुरू होने से पहले कि किंग एक ही है, पर तुम माने नहीं। आओ यार, अरे हम श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज दोनों बाइक में कैमरा माउंट हो चुका है, एक अपना गोप्रो और एक हीरो मैक्स। हीरो मैक्स लग गया राहुल भाई के ऊपर और अपना कैमरा तो अपने पास ही रहता है। तो आज का इवनिंग राइड कर करने का स्पेशल मकसद ये है बिकॉज मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है और गर्मी के टाइम में ऐसा मौसम मिलना मतलब सोने पर सुहागा। तो इस चीज़ को अपन लोग जाने नहीं दे सकते हैं और वैसे भी आज ईद है तो मरीन ड्राइव पे प्रॉपर हलचल रहेगा, तो मज़ा आएगा भगाने में। बाकी यहाँ पे सर लोग खड़े हैं तो ज़रा आराम से ही निकलेंगे और वो सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। बाकी पीछे से अपना 360 भी आ ही रहा है, ये देखो 360 आ गया भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 360 इधर लगा हुआ है तो ये देखने में और एक गदर लुक लग रहा है। बाकी वर्जन पे है, आज ज़्यादा फ्रेंड लोग नहीं आए, हम हैं और R15 है और एक और R15 V3 है, मतलब प्रॉपर तीन बाइकें हैं और प्रॉपर फन करेंगे, प्रॉपर मज़ा करेंगे। और आज रश तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा मरीन ड्राइव पे बिकॉज स्पेशली आज ईद है, तो कैसे कैसे करके हर एक काम को मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपन राइड पे निकल चुके हैं बिकॉज सोचे कि नहीं आज के दिन को बर्बाद नहीं जाने देना है बिकॉज ये मौसम फिर मिलेगा नहीं। अरे यार ये तो चालू हो गया, तो अपन को भी निकलना पड़ेगा, बाकी राइड का प्रॉपर मज़ा देंगे। और बहुत दिन से वीडियो बहुत डिले आ रही है, 6-6 दिन 5-5 दिन पे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बिकॉज मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से वो एक पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है वीडियो अपलोड करने का। पर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप लोग के लिए मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप लोग को एंटरटेनमेंट करने का जो मैंने वो रखा है एक कि नहीं आप लोग को एंटरटेनमेंट देगा। राइडर्स आर बैक चैनल का मकसद ही है एंटरटेनमेंट, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, तो वो मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ ज़रूर देंगे। और दो दो कैमरा से भाई फुटेज रिकॉर्ड हो रहा है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए और देखने में मज़ा आएगा। और भाई आज कुछ ज़्यादा हरियाली है, भीतरी बहुत पीछे रह गया यार, अपन बहुत बात कर लिए तो इंट्रो तो अपन ने शूट किया ही नहीं, बोला ही नहीं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, राइडर्स आर बैक। और एक चीज़ और अनाउंस कर दे रहा हूँ, बहुत जल्द अब अपना टायर चेंज होने वाला है और आप लोग कमेंट करो कि कौन सा टायर अपन लगाएं। जो कंपनी फिटेड था पहले से, यानी कि यूरो ग्रिप का टायर बजाज कंपनी लगा के दिया था वही लगाएं, या फिर अपोलो पे स्विच कर सकते हैं या MRF पे। बाकी आप लोग बताओ कि कौन सा टायर मेरे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सही रहेगा, कौन सा टायर लगाना NS के लिए सही रहेगा, ताकि ये लिमिटर वाला जो गेम है इसका ख़त्म हो बिकॉज यार इसका लिमिटर वाला गेम बहुत ख़राब लगता है एक टाइम पे। इनिशियल में तो ये किंग है ब्रो, और टॉप एंड में भी किंग है, बस टायर मेरे को खाली रिप्लेस करवाना है, बाकी फिर ये किंग हो जाएगा। और चला जाए, चलो अबे किंग तो किंग ही होता है मेरी जान। अरे इसका कपड़ा पूरा उड़ रहा है। बाकी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी ये आप लोगों को पता है कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट बहुत कम मिलता है, और आपको पता है कि आपका भाई कितनी मेहनत करता है वीडियोस बनाने में, और बंदे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये बाइक लेके ऐसे निकलना और ये बहुत ही इजी काम है। अच्छा अब बाद में R15 निकल गया, मैंने
और फिफ्थ गियर पे टॉप एंड पकड़ रहा हूँ यार, तो कैसे पकड़ाएगा। हवा भी बहुत तेज चल रहा है, R15 निकल गया। आज R15 को टक्कर दिया जाएगा, आज NS अपनी निकलेगी। और NS का वैसे भी भाई अपने बाइक का चेन वेन बहुत ढीला हो रखा है और बाइक गंदी भी बहुत है, बिकॉज कल पानी वानी हुआ था, बाइक बाहर लगा था तो थोड़ा सा डस्ट वस्ट बैठा हुआ है। आग बंद कर बाइक, आ ही गया। अरे हेलमेट देखो यार, यामा बॉयज एक बात बोले, और कोई यामा को सपोर्ट करे या ना करे ये लड़का जरूर करता है। चला जाए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। एक विली अटेम्प्ट किया जाए क्या? ए पुलिस है आगे, अरे अरे आगे आगे पुलिस है। देख अभी भाई विली अटेम्प्ट कर रहा था पर मैंने मना कर दिया कि नहीं आगे पटना पुलिस है। चलो यार चलो, अब होगा मजेदार वाला वर्जन को बता देना है कि NSP कोई नाम की चीज है। बच्चू है ऐसे कैसे लोग है भाई, ऐसे कौन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो वर्जन तो रह गया भाई साहब, कंट्रोल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं असली राइडर की पहचान, कंट्रोलिंग। चलो फॉर्च्यूनर से लगाया जाए रेस, अच्छा वाला, पर फॉर्च्यूनर से जितना इम्पॉसिबल है फिर भी अपन तो कोशिश करेंगे ना। ये लोग पार हो गए, भाई अटल पथ मेरे को नहीं लगता है कि अब सेफ रहा, बिकॉज कभी भी कोई भी सडनली क्रॉस कर जाता है यार। आया एक और, ये लोग आता है तो अपन को साइड देना ही पड़ता है भाई। फॉर्चुनर से रेस लगा रहे थे बताओ। ओहो NS आई लव यू ब्रो, मतलब तुम्हारा टायर खराब है फिर भी तुम इतना अच्छा। चलो तो इधर से एक यू टर्न लेते हैं और एक और खींचेंगे भाई। सही में वो आंटी पागल थी रे, कंट्रोल बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं अपने अपने बाइक पे कंट्रोल।
ओए क्या वर्जन नहीं निकल रहे हो आज? हम इसको तुमको स्टार्टिंग में ही बोले राइड शुरू होने से पहले कि किंग एक ही है, पर तुम माने नहीं, जबरदस्ती की है। बताओ सब वर्जन लगे हुए हो, कोई फायदा है? चलो जाओ, तुमको लीड दिए, जाओ मेरी जान, जाओ यार। अरे हम जाएंगे तो फिर नहीं दिखेगा तुम। मेरा 80 पे नहीं 100 पे तुम्हारा नहीं काटा होगा।
यार ये बंदा कुछ अलग ही चलाता, ये बंदा कुछ अलग ही चला रहा है आज, पूरा महका दिया। ए हे तुम क्या किया, ड्रिफ्ट मार के महका दिया। ओ सॉलिड बापू, कमाल कर देता तुम तो, कमाल कर देता तुम तो, धोती फाड़ के रुमाल कर देता। ये तो पूरा बवाल मचा रखा है। ड्रिफ्ट मत मार दोस्त, ड्रिफ्ट मत मार, ड्रिफ्ट मत मार। जो आगे चलता है ना उसको सब दिखता है, जो पीछे चलता है उसको कुछ दिखता ही नहीं है ब्रो। मेन दिक्कत तो इसी में हो जाता है। आज था प्रॉपर मजेदार। अरे वो ड्रिफ्ट मार देता है भाई जहां मन तहां। हाँ इस मौसम ने पूरा चार्ज कर रखा है, वरना गर्मी में तो अपन लोग चार्ज हो ही नहीं पाते। मौसम इतना ज्यादा अच्छा है ना, बाइक को भगाने में जो फील आ रहा है ना वो क्या बताएं आप लोग के लिए। आवाज आएगी जी 900 भाई, एक दिन जरूर लेंगे इस बाइक को, ये तो प्रॉपर है। पर आज तुम कुछ अलग चला रही हो मेरी जान। अरे भाई साहब अब मत मारो। सो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस चीज़ को ट्राई मत करें, ठीक है। बस हम लोग ये वीडियो बनाते हैं आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, तो जितना हो सके वीडियो को देखो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसे ट्राई एकदम ना करें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राइडर्स कीप थ्रॉटल अप एंड जय श्री राम एंड जय बजरंगबली।